मुंबई शानो शौकत चमक धमक बेशुमार पैसा, जहां पैसा होता है वहां जुर्म है, जहां जुर्म होता है वहां खौफ, और जहां खौफ होता है वहां मेरे जैसा मुजरिम। वसूली मार धाड़ मर्डर ये मेरा पेशा है। जुर्म की दुनिया पर जब कोई आफत आती है तो जुर्म करने वाले मुझे याद करते हैं। मेरा नाम बाबू। बाबू का ना चेहरा है ना पहचान ना परछाई, कोई नहीं जानता कि वो कहां से आता है और कहां चला जाता है। अपने अंधेरे में बैठा बाबू इंतजार करता है अपने अगले गुनाह, अपने अगले कॉन्ट्रैक्ट, अपने अगले शिकार का। क्या इस बैग में? जी कुछ नहीं, पर्सनल सामान। सामान? गोवा से आने वाले लोग क्या सामान लेकर आते हैं मैं जानता हूं। जरा साइड आइए। जी आई सेड कम ऑन द साइड, प्लीज कम ऑन द साइड। भोली भाली सूरत का फायदा उठाती हैं। ड्रग्स है ना इसमें? ड्रग्स? इसमें कोई ड्रग्स? ओपन द बैग। आई सेड ओपन द बैग। हाय नेहा। क्या हुआ? देखो ना कैसे कैसे बातें कर रहा है। पुलिस वालों का तो काम ही इल्जाम लगाना है। मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि मैंने इनका दिल चुराया है और उम्र कैद की सजा भी दे दी। आज शाम को मुझसे सगाई भी कर रहे हैं। अर्जुन! गॉड, आई शुड हैव गेस। तुम्हें पुलिस वाला नहीं फिल्म वाला होना चाहिए। कैसे डरा दिया मुझे, देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे अब तक। चलो रितु नेहा को घर ले जाओ, मुझे हेडक्वार्टर मीटिंग में जाना है। कम सीजर, कम ऑन। नेहा वो देख ऊपर, वो मेरा घर है। रितु, बॉम्बे में घर होना बड़ी बात होती है ना? अरे मम्मी डैडी की डेथ के बाद एक ही सिर्फ घर ही तो है मेरे पास और एक दोस्त तू। और वो? वो कौन? वो कोतवाल। और कौन वो? अरे वो अभी कहाँ मेरा है, आज शाम सगाई के बाद मेरा होगा। God bless you. सर ये है रितु। नमस्ते। जीती रहो। हेलो अर्जुन। हाय जयदेव। हेलो सर। भैया अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मौकों पर बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, और मेरा आपके सिवा है कौन? रितु
ये है भैया और भाभी माँ, यही है मेरा परिवार। नमस्ते। अरे जीती रहो जीती रहो भाई, लड़के वाले तो आ गए, अब लड़की की तरफ की मेहमान कब आएंगे? भाभी जी मेरी तरफ से तो सिर्फ एक ही मेहमान है और उसका कमाला बहुत जल्द देखेंगे। लगे प्यारी ले ओ भले या।
ये है नेहा वर्मा, रितु की खास दोस्त, और ये मेरी भाभी माँ। नमस्ते। और मेरे आदर्श एसीपी जयदेव सिंह। नमस्ते। और ये मिस्टर कमिश्नर। नमस्ते। नेहा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहाँ कमाल किया है? कमाल मैंने किया है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सर? कुछ नहीं अर्जुन, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। इट्स ऑफिशियल। सर मैं चला जाता हूँ। कमाल करते हो अर्जुन, तुम भी। सगाई के पार्टी से अगर दूल्हे को भेज दूं तो वो जो सारे लोग हैं ना, वो पुलिस वालों को बदनाम कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक ड्रिंक तो पी के जाइए। तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओ, मैं गया हुआ आया। मैं चलती हूँ। रुक जा। अरे तू क्या? देखो ना अर्जुन, नेहा जाने की इज्जत कर रही है। अर्जुन प्लीज, कल सुबह सुबह मुझे फ्लाइट पे जाना है और मेरा नौकरी का पहला दिन है। नेहा खाना तो खाकर जाओ, वरना खाना वेस्ट हो जाएगा। खाना वेस्ट नहीं होगा, हवा सिंह जी है ना। मैं कोई डस्टबिन हूँ भाई। मैं चलती हूँ। नेहा, तुम यह क्या कर रही हो? वो गाड़ी खराब हो गई थी, सोच रही घर कैसे जाऊं। इसमें सोचने की क्या बात है, आओ मैं छोड़ देता हूं। थैंक यू। नेहा जरा 2 मिनट, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। ओके। मौत की महक सूंघो। पेट्रोल लिक्विड बारूद की तरह होता है, समझो कि तुम्हारे जिस्म पर बारूद बिछा दिया गया है। मतलब की बात करें, तुम मेरे डैड के खिलाफ एक केस तैयार कर रहे हो और उसके लिए तुम्हें सबूत चाहिए, इसलिए इतनी रात गए एक खबरी के फोन पर तुम झट से यहां पहुंच गए। लेकिन वो फोन किसी खबरी ने नहीं, हमने किया था। हम ये देखना चाहते थे कि आप सिंघानिया साहब पर कीचड़ उछालने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। मेरे डैड कल इलेक्शन के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं, और जब तक वो इलेक्शन जीत नहीं जाए, मैं चाहता हूं कि कोई गड़बड़ नहीं। ईमानदारी का ये भूत सर पर सवार करने का क्या फायदा जब तुम्हारे कंधों पर सर ही नहीं रहेगा। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू ऑफिसर। अपने बाप की सलामती की दुआ मांगो सम्राट सिंघानिया, बहुत जल्द तुम बिन बाप के होने वाले हो।
कानून की तलवार उठ चुकी है, बस तुम्हारे बाप का सर कलम होना बाकी है। एसीपी, सारी दुनिया समझती है कि मेरे डैड मेरी ताकत है। गलत, मेरे डैड मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आज तुमने मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कहा होता तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन मेरे डैड के खिलाफ एक शब्द नहीं। I'm sorry officer, तुम्हें मरना होगा। हेलो हेलो, मैं नेहा वर्मा से बात कर सकता हूँ? दद्दू? हाँ बेटे, मैं बोल रहा हूँ। नेहा बेटे, तेरी आवाज को क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ दद्दू, मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तू मुंबई ठीक ठाक पहुँच गई थी? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं दद्दू, वो सिमी कैसी है? सिमी यहाँ खड़ी मुझे तंग कर रही है, ले खुद ही बात कर। हाय दीदी, रितु दीदी की सगाई हो गई? आपने खूब मस्त किया होगा ना? अच्छा पहले ये बताओ, आपने मुंबई में क्या क्या देखा? अब सिमी, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। दीदी से कह रहा, मैं बाद में बात करूंगी। ओके ओके, गुड नाइट दीदी, बाय बाय। अरे तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले नेहा? दरअसल मैं अभी पहुंची। अभी पहुंची है? लेकिन तू तो पार्टी से काफी देर पहले निकल। क्यों पुलिस वालों की तरह बार-बार सवाल कर रही है? बताया ना रस्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। लेकिन नेहा, तुमने मुझे कहां बताया कि कार खराब हो गई थी? I'm sorry। तुम ठीक तो हो? हां क्यों, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट। आर यू ऑलराइट नेहा? आई एम ऑलराइट। नींद नहीं आ रही, नींद आ रही है। ये नेहा को क्या हो गया? Oh no! अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे जाना होगा, इट्स एन इमरजेंसी। समझा करो, पुलिस वाला हूँ। ओके, टेक केयर। अर्जुन, मर्डर केस। कौन है? एसीपी जय सिंह जी। What? जिंदा जला दिया उन्हें। अरे शाम को तभी मेरे साथ था। यह हादसा अभी अभी हुआ है रात को। Are you sure? Yeah, लाश की शिनाख्त हो चुकी है। Come with me. हट जा, मैं कह रही हूँ। हरे, हरे, ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप मेरी बात सुनिए, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। घर आना, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे नहीं सुना, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी है। अर्जुन, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सबके सब झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि वो मर गए। ऐसे भी कोई मरता है? ऐसे भी कोई मरता है भला? ऐसा होने नहीं सकता। आपको संभाले, भाभी वो मर चुके हैं। तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो अर्जुन? तुम ठीक से देखो, तुम फिर से जाकर देखो, शायद सांसें चल रही हो।
अगर एक भी सांस बाकी होती तो उसे खींच के उम्र बना देता भाभी। मैं जानती हूँ वो सर से पांव तक पूरे जल गए, लेकिन तो वो मेरे पति ना। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाभी, आप उनकी लाश को मत देखिए। अगर आप देखेंगी ना तो उनकी हर याद घबरा कर मर जाएगी। और आपको उनकी यादों को सलामत रखना है। प्लीज भाभी घर जाओ, प्लीज भाभी इन्हें घर ले जाओ। अर्जुन, ये आई कार्ड मुझे सड़क के उस किनारे से मिला है, शायद कोई सुराग मिल जाए। गिरफ्तार कर लो इसे। मैंने कुछ नहीं देगा, मैंने कुछ नहीं देगा, मैंने कुछ नहीं देगा। तो आंख बंद करके खून किया था? क्या मतलब है आपका? क्यों किया तुमने? एसीपी जयदेव सिंह का कत्ल या किसी से करवाया था? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो फिर किसने किया? कौन से गैंग के साथ तुम शामिल हो? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? वारदात पर आइडेंटिटी कार्ड मिला बकवास नहीं है? एसीपी जयदेव सिंह के पीछे पीछे तुम्हारा पार्टी छोड़कर जाना बकवास नहीं है? न्याय और मेरा तो क्यों छिपा रही हो कातिल का नाम? उस कातिल के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात है? मेरा कोई ताल्लुकात नहीं, न कातिल के साथ न कत्ल के साथ। तुम्हारा ताल्लुकात क्या हो रहा पवार? ऐसे सवाल जवाब करते एक लड़की के साथ? ये अपना गुनाह कबूल नहीं कर रही है। अर्जुन, इस लड़की का आई कार्ड मौका है वारदात पर बरामद हुआ है। आई कार्ड मिलने का मतलब ये तो नहीं कि इसका गुनाह साबित हो गया। अर्जुन, ये लोग मुझे कत्ल के केस में फंसा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग सब यहाँ से जाइए, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। प्लीज गो। अर्जुन, मैं कसूर हूँ, ये लोग खामखा मुझे। नेहा, हमारी पहली मुलाकात एक मजाक थी, लेकिन ये मजाक नहीं है। तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो। मैं झूठ बोल रही हो, लगातार झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे के खौफ से ये पता चलता है कि तुमने कातिल को देखा है। तुम कत्ल के दौरान वहां पर थी, तुम खामोश कैसे रह सकती हो? और वो भी इस इंसान के लिए जो शाम को हमारी पार्टी में इतना खुश था। एसीपी सिंह की बीवी जो उस महफिल की रौनक बनी हुई थी, उसे क्या पता था कि वो चंद घंटों में विधवा हो जाएगी? उसके पति का खून होते हुए तुमने अपनी आंखों से देखा है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम कैसे चुप रह सकती हो? कैसे चुप रह सकती हो? मैं चुप नहीं होगी। मैंने उस कातिल को देखा है, उसकी हैवानियत को देखा है। ये भी तो हो सकता है तुम्हें उस कातिल की शक्ल ठीक से याद ना हो। मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती। पहली बार इंसान के चेहरे में शैतान देखा है। अर्जुन, उसका चेहरा इन मुजरिमों जैसा डरावना नहीं था। उसकी हरकतें खौफनाक थी। वो मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? रिलैक्स नेहा, आज का दिन तुम पर वैसे ही बहुत भारी गुजरा। तुम घर चल के आराम करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन तुम्हें दोबारा यहाँ फिर आना पड़ेगा। ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं चाबी लेके आया। साहब, हम आपके आभारी हैं कि आप जैसी हस्ती हमारी पार्टी में शामिल हो गई। मेरी खुशकिस्मती है। आइए।
देश की सेवा करने का आपका पुराना सपना आज पूरा होने जा रहा है। इतनी बड़ी पार्टी के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने जा रहे हैं आप। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करता हूं और कामना करता हूं कि ऊपर वाले का हाथ आपके सर पर हमेशा रहे। एक मौका दे दे मुझे, छह की छह गोलियां तेरे खोपड़ी में डाल दूंगा। दिमाग खराब हो चुका है मेरा, तेरी गिरफ्तारी से सिर्फ मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। गिरफ्तारी का वारंट है तुम्हारे पास? नॉन बेलेबल वारंट। ए, तेरे को मालूम है तू किस पर हाथ डालता है? जानता हूँ, सब बोला है वो इस सांप का। ये अपनी गंदी कमाई से सस्ते नेताओं और वकीलों को खरीद सकता है, पर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर खरीदने की औकात नहीं है इसकी। एसीपी चैतन सिंह नहीं बिका तो मरवा डाला इसे। बस यही एक गलती कर दी तूने सिंघानिया। तेरा हथियार तेरा बेटा था, पर उस गुनाह के पीछे हाथ तेरे थे। मैं बहुत जल्द तेरे कंधों से वो हाथ उखाड़ने आ रहा हूं। मेरा इंतजार करना सिंघानिया। मुझे अपने बेटे की बेगुनाही पर उतना ही यकीन है जितना कि इस मुल्क के कानून पर है। मैं अपने बेटे को इंसाफ के हवाले करता हूं और शपथ लेता हूं कि जब तक मैं अपने बेटे की बेगुनाही को साबित नहीं कर लूंगा, तब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं करूंगा। तुझे मैं सम्राट के साथ हमेशा क्यों रखता था? उसके गुस्से पर लगाम रखने के लिए ना? हैं? एक दो टके का इंस्पेक्टर उसे मेरे बगल से बेइज्जत करके ले गया? ऐसा खून खोला मेरा। हाँ, मेरा बेटा भी जेल में इसी तरह तड़प रहा होगा। अगर गलती से उसने खून कर भी दिया तो ये बात पुलिस तक पहुंची कैसे? किसने बताया उन्हें? एक चश्मदीद गवाह। चश्मदीद गवाह? नेहा वर्मा। उसने ये हादसा खुद अपनी आंखों से देखा है और सम्राट को पहचान लिया है। तो प्रॉब्लम क्या है? खत्म कर दो उसे। और अपने बेटे को फांसी पर चढ़ा देंगे आप? क्या वक्त हो? एसीबी जयदेव सिंह की हत्या के केस ने अब जोर पकड़ लिया है। ऐसे हालात में अगर नेहा वर्मा का एक नाखून भी टूटा तो उसके जिम्मेदार आप सिंघानिया साहब और आपका बेटा ठहराए जाएंगे। तो क्या मैं अगरबत्ती जलाकर नेहा वर्मा की आरती उतारूं? बंसल, मुझे मेरा बेटा आजाद चाहिए, आजाद। हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो नेहा वर्मा अदालत तक नहीं पहुंची, और अगर वो पहुंच गई तो अदालत में वो अपना बयान बदल दे। ये कैसे होगा? इस सूरत में सिंघानिया साहब, आपको एक नाम याद नहीं आ रहा? कौन सा नाम? बाबू। बाबू? उसको तो हमारा पिछला काम किए काफी अरसा हो गया ना। आपको ऐसी तकलीफ भी तो बहुत अरसे के बाद में मिली है। ठीक है, बुला लो उसे। तुम पर हमला हमारे कहने पर किया था। देखा सिंघानिया साहब, मैंने कहा था ना, बाबू कल भी लोहा था, आज भी लोहा है। और जंग भी लोहे को ही लगता है, इसलिए आजमाना जरूरी था। धंधे की बात कर लें।
हमारी पहली फ्लाइट मॉरिशियस क्यों लगाई, गैस करो। मैंने मॉरिशियस नहीं देखा इसलिए सर। नो, इसलिए कि तुम्हें वहाँ कोई परेशानी ना हो। सर आप तो यहाँ हैं, मुझे वहाँ परेशानी कैसे हो सकती है? क्या मतलब? मेरा मतलब है सर, मुझे वहाँ परेशानी होगी तो मैं आपको यहाँ फोन कर लूंगी, तो मुझे वहाँ परेशानी कैसे हो सकती है सर? मेरा मतलब लूट नहीं पड़ेगी तुमको, जब भी तुम सच्चे दिल से याद करोगी, गैस करो किसको पाओगी? सर आपको? नो, मेरे भाई को। मेरा भाई वहाँ काफी देर से सेटल्ड है। सर बट हाउ इज इट पॉसिबल, मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे सर? उसके लिए गैस करने की भी जरूरत नहीं है। हा? उसकी किसी भी बेवकूफी की हरकत से आपको आइडिया लग जाएगा। क्या वो आपके सगे भाई हैं? डोंट वरी सर, मैं उन्हें पहचान लूंगी। अब मैं जाऊं सर? हाँ, ओके, हैव अ नाइस नाइट। जब आप बाहर जाएं, तो दरवाजा बंद करके जाएं। दरवाजा मैं बंद करके गई थी। जब मैं ऊपर आया तो दरवाजा खुला था, घंटी मारी कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अंदर आ गया। लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए हो? नेहा, मैं नेहा से मिलने आया हूँ। नेहा यहाँ नहीं है। कहाँ मिलेगी वो? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उसका दोस्त हूँ। पर मैं नेहा के सारे दोस्तों को जानती हूँ। तो मुझे भी जान जाओगी? एंथनी, गोवा से। एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन? नेहा, कैसी है तू? मॉरिशस ठीक ठाक पहुँच गई? वाओ, हॉलिडे इन में ठहरी है? ओह ग्रेट। अरे बाबा, अर्जुन ठीक ठाक है, तू बता तू कैसी है? अच्छा, वाह ग्रेट। अच्छा सुन, तेरा कोई दोस्त आया हुआ है गोवा से, एंथोनी। अरे उसे मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा ले, तू खुद ही बात कर ले उससे। कहाँ चला गया? हेलो नेहा, हेलो हेलो हेलो। ओफो, तुम हो? हटो। हेलो मिस्टर एंथोनी, कमाल है, अभी अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। कोई मिस्टर इंडिया था क्या? मजाक छोड़ो बाबा, कोई गोवा से आया था, एंथोनी नाम बता रहा था, कह रहा था कि वो नेहा का दोस्त है। मैं उससे बात कर ही रही थी कि इतने में नेहा का मॉरिशस से फोन आ गया। नेहा ये कह रही थी कि वो एंथोनी नाम के किसी आदमी को जानती ही नहीं है। लेकिन अगर जानती नहीं थी तो उसे घर के अंदर क्यों आने दिया? लेकिन वो घर के अंदर पहले से ही था। क्या? और जब मैं मार्केट से सीजर के साथ लौटी तो वो ऑलरेडी घर के। सीजर का? सीजर? संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। वो जरूर कोई नेहा का दुश्मन था। एक बात बताओ, क्या तुम उसे पहचान लोगी? हाँ, मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकती। एक अजीब सा खौफ था उसकी आंखों में। वो खौफ नेहा का रुख कर चुका है। मिस्टर डी सिंह? यस, दवा सिंह एट योर सर्विस मैडम।
मेरे भाई हवा सिंह ने मेरे बारे में आपको सब कुछ बता दिया होगा। हाँ, बताया था। लेकिन एक बात उन्होंने बिल्कुल नहीं बताई होगी कि मैं मॉरिशस का टॉप मैकेनिक हूँ, घड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक सब कुछ ठीक कर लेता हूँ। जी नहीं बताया। नहीं बताया होगा क्योंकि वो जेलस है मुझसे, थोड़ा उन्हें कॉम्प्लेक्स है। हाँ, फिर तो आप बहुत बिजी होंगे। बिजी मैडम, वेरी बिजी। मैं तो समंदर के अंदर सबमरीन के कार्बोरेटर का कचरा साफ कर रहा था जब फोन आया, तो मैं तो वैसे ही चला। खैर, आप कितने दिन हैं यहाँ? हमारी फ्लाइट 3 दिन बाद आ रही है, तो 3 दिन तक हम यहाँ हैं। सोचो कुछ घूम फिर ले। तो लेफ्ट राइट इधर इधर से देखे ना। एक मिनट, ओ भाई मेरी बात तो नेहा जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको घुमाने लेके आया हूँ कि आप मुझे घुमाने लेके आई हुई हैं। ये देखिए, ये है वाटर फ्रंट का मशहूर लव फाउंटेन। इसकी खासियत ये है कि आंखें बंद करके इसमें एक एक सिक्का डालिए, आपकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। ये तो सिर्फ 3 सिक्के हैं। कोई बात नहीं, चौथा आप मुझे फेंकिए, सिक्के लेके मैं वापस आ जाऊंगा। ये अच्छी बात है। ओके गर्ल्स, डन। नहीं नहीं, आप ये पकड़िए, मैं सिक्के लेके आता हूँ। ले तू फेंक। नहीं, पहले तू फेंक। मैं क्या मांगू? तेरी जिंदगी में कोई खास वो है? नहीं, तो उसे मांग ले, है ना? मांगना मांगना। ये देखिए, ये 8 नंबर की चाबी है। मैडम, लोगों के लिए कैपेचिनो। सर, आपका एक्सप्रेसो नहीं आ सकता। क्यों, लोग रास्ते में छीन लेते हैं? नहीं सर, प्रॉब्लम है, मशीन खराब है। मशीन खराब है? टॉप मैकेनिक के होते हुए मशीन खराब हो जाए? क्या हुआ दफा सिंह जी? कुछ नहीं, आप कॉफी पीजिए, मुझे मेरा फर्ज पुकार रहा है, मैं अभी आया। किधर है मशीन? उधर है सर। कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं। छोड़ यार, ये देखेगा भी नहीं। देखने वाली चीज दिखाएंगे तो जरूर देखेगा। ओ शिट यार, तो बड़ी इंसल्ट हो गई। देख नेहा, ये हमारी इज्जत का सवाल है, अब जा तू एक ट्राई मार। प्लीज जाना, प्लीज। देख वो उस तरफ जा रहा है। I want a pearl necklace. Oui, madame. A pearl necklace? Madame, allez-vous français? French. Excuse me, I don't speak French. Could you help me, please? इन्हें मोतियों का हार चाहिए। अरे मैडम, पहले हिंदी में बोलते, हम मॉरिशियंस हैं, हम फ्रेंच जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते। मैं भी आया। और कुछ? नो, थैंक यू। फोर्स यहाँ लगता है, एक्शन यहाँ होता है। सॉरी सॉरी। क्या हुआ, कुछ बात बनी? कोशिश की लेकिन दाल नहीं गली। यहाँ दाल बड़ी मुश्किल से गलती है क्योंकि पानी खारा होता है, हार्ड वाटर। बहुत अकड़ता है ना? दैट मींस इलास्टिसिटी कम है। अगर वो अकड़ू है तो तू मोम बन जा, अगर वो पत्थर है तो तू फूल बन जा। वेरी राइट, अनइक्वल पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ना, वो जवान है तो आप हसीन है। मैं अपने आप को हसीन तब मानूंगी जब वो मुझे देखकर दीवाना हो जाए। मैं इतरा की नजर फेरूं तो वो पागल हो जाए। मैं पीठ दिखा के चलूं तो मेरे पीछे मजनू की तरह आए, रोमी की तरह गाना गाए।
कहां वहां ढूंढा तुझे कहां कहां देखो ना आना पड़ा यहां शाम भी हुई जवान मिलन की है मस्तियां मोहब्बत की है फिजा छोड़ के ऐसा समा के दिल चली कहां ओ गोरी तू चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां कभी तू दिन लगे कभी तू रात है ओए 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 तुझ में कुछ बात है hey! कभी तू दिन लगे कभी तू रात है ओए 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 तुझ में कुछ बात है ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां hey! ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां उड़ा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां भड़काती है कभी तू शबनम है प्यार बरसाती है हे कभी तू शोला है आग भड़काती है कभी तू शबनम है प्यार बरसाती है हे ओ गोरी तू चली कहां उड़ा के दिल चली कहां ओ गोरी तू चली कहां चुरा के दिल चली कहां जाना है तो जा भी ले जा जरा ओ गोरी गोरी चली कहां तू चोरी चोरी चली कहां चुरा के दिल चली कहां चुरा के दिल चली कहां
नेहा जी, अगर मुझे पता होता कि आप खाबों में इतनी देर लगा देंगी तो मैं भी किसी ड्रीम सीक्वेंस में जाके अपना हेलीकॉप्टर ठीक कर लेता। चलिए, अब देर हो रही है, लंबा सफर है, आपकी सहेलियां तो गाड़ी में बैठ भी चुकी हैं। इस गाड़ी का इंजन मैंने अपने हाथों से सेट किया है। क्या हुआ? मुबारक हो नेहा जी, मुबारक हो लड़कियों, गाड़ी खराब हो गई है। कमाल है, गाड़ी खराब हो गई, मुबारक कह रहे हैं आप? आपको शायद पता नहीं है, एक सच्चे मैकेनिक के सामने जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कितनी खुशी होती है। कहाँ फंस गए हम? ऐसी जगह पर फंसे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं, गाड़ी ठीक करने का मजा आ जाएगा। नेहा जी, आप जरा सेल्फ मारिए। ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। ओह, इसका मतलब फॉल्ट लोकेटेड, फॉल्ट बैटरी में है, बैटरी खराब है। फिर बैटरी ठीक कीजिए ना। ये काम मेरा नहीं है, बिलो माय स्टैंडर्ड। ओ, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं, आप एक लकी आदमी के साथ हैं। वो देखिए एक गाड़ी आ रही है। देखा ना मेरा कमाल, गाड़ी रोक दी ना मैंने। भाई साहब, आप बड़े मौके पे आए हो। क्यों, यहाँ कोई पिकनिक हो रही है? पिकनिक नहीं जी, वो अपनी बैटरी खराब होगी ना, तो आप जरा हमें शहर तक लिफ्ट दे देंगे? माफ कीजिए सरदार साहब, देखिए सामान पीछे बहुत ज्यादा पड़ा है और आप में से कोई एक ही आ सकता है। दैट मींस आई एम वेरी लकी, आप मुझे पोर्ट लुइस तक ले चलिए, मैं बैटरी लेके वापस आ जाऊंगा। सरदार साहब, अगर आप साथ में आ गए तो इन लड़कियों की रखवाली कौन करेगा? हाँ, किसी न किसी मर्द का होना तो यहाँ जरूरी है। आप ऐसा करिए, इनमें से किसी एक को ले जाइए, मेरी जिम्मेदारी भी काम हो जाएगी जरा। ठीक है। गुड मैन। सर, आप मुझे मॉरिशस क्यों नहीं भेज रहे हैं? नो सर, मेरी बात तो सुनिए। इस बारे में बहुत बहस हो चुकी है अर्जुन, अब कोई बात नहीं। सर, हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि मॉरिशस में नेहा वर्मा की जान को खतरा है, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। सर, मैं एप्लीकेशन लिख लिख के थक गया हूं, मेरी एप्लीकेशन इस सरकारी टेबल से लेकर दूसरी सरकारी टेबल पर धूल चाट रही है। पुलिस डिपार्टमेंट मेरी जागीर नहीं है अर्जुन, कार्रवाई पूरी होने में वक्त तो लगता ही है। लेकिन बहुत कम वक्त लगा आपको एसीबी जयदेव सिंह की हत्या को भूलने में। उसकी चिता बुझने से पहले आपके सीने का गुस्सा मिट गया सर, लेकिन मेरा खून अभी भी खौल रहा है सर। मैं मॉरिशस जाऊंगा, अपने बलबूते पर जाऊंगा, और अब यह आपके ऊपर है कि मैं वर्दी पहन कर जाऊं या वर्दी उतार कर जाऊं। मेरा नाम नेहा है। विकी। कहां के रहने वाले हैं आप? इंडिया का। इंडिया? इंडिया में कहां? मुंबई। बॉम्बे में तो मैं भी रहती हूँ, कैसा इत्तेफाक है ना? काफी कोशिशों के बाद हुआ ये इत्तेफाक है ना? अच्छा हुआ आप मिल गए। क्यों? वो गाड़ी खराब हो गई थी ना, इसलिए। तो बुरा हुआ क्या? नहीं नहीं, अच्छा हुआ। मेरा मतलब है सरदार जी से पीछा छूटा इसलिए अच्छा हुआ। अगर मुझे उनके साथ रहना पड़ता तो मैं एयर होस्टेस की जगह कार मैकेनिक बन जाती, टॉप की। अच्छा, तो आप एयर होस्टेस हैं? हाँ। और आप? बाप दादा ने सर पर दौलत का बोझ छोड़ दिया था, उसे कम कर रहा हूँ। आपके साथ कौन कौन है? इस वक्त आप हैं और घर पे कोई नहीं। कोई नहीं? वैसे आपको मॉरिशस कैसा लगा? पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, 3 दिन में मुझे वापस जाना है। जब कोई चीज अच्छी लगे ना तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। थैंक यू। यू वेलकम। सॉरी आपको तकलीफ दी। इट्स ओके। सुनिए जी, यहाँ पास में एक नाइट क्लब है, ब्लू कैमल, 8 बजे के बाद मैं वही रहता हूँ, आप आएंगी? क्यों? आपसे मिलना जरूरी है। अपने वतन से दूर, एक अनजान शहर में, एक जवान लड़की को किसी अजनबी से मिलना चाहिए? अपने दिल से पूछिए, अगर वो मुझे अजनबी समझे तो मत आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा।
See you. Hello, Mr. Arjun. Welcome to Mauritius. I'm Mr. Kareem from the Indian Consulate. मुझे पुलिस हेडक्वार्टर जाना था। ओके। अगर मैकेनिकली देखा जाए तो आप इंस्पेक्टर अर्जुन? जी हाँ। हवा सिंह जी आप? हवा सिंह की क्या औकात की यहाँ मॉरिशस आ सके? उसका तो पासपोर्ट अथॉरिटी वाले पासपोर्ट ही नहीं बनाते, शक्ल देखकर रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप? मैं उस नलायक का एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट जुड़वा भाई दफा सिंह, एट योर सर्विस। नेहा किधर है? नेहा वो नीले ऊंट पर, मतलब आपकी हिंदी कमजोर है। ब्लू कैमल नाइट क्लब। नेहा जी ने कहा था कि आपको मैं वहीं ले आऊं। रितु, तुम इनके साथ जाके नेहा से मिलो, मैं जरा पुलिस हेडक्वार्टर जाके आता हूं। ओके। कम ऑन ऑफिसर। आइए जी। इश्क है ऐसा घंटा यारो, पाँव में जब चुभ जाए राजा रंग सभी को गलियों गलियों नाज में जाए। रखता है वो मौज मनाए, जो दिल रखता है वो मौज मनाए। जो दिल रखता है वो मौज मनाए, जो दिल रखता है वो मौज मनाए। ला 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 ला। जो दिल रखता है वो मौज मनाए, जो दिल रखता है वो मौज मनाए।
आया, रितु भी आई हुई है, वो रही। रितु? मैं पूछना चाहता हूं, नेहा वर्मा मॉरिशस से जिंदा वापस कैसे लौटी? हमने तुम्हें वहां भेजा था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन तुमने मार डाला किसी रितु परेरा को। रितु परेरा की मौत जरूरी थी। बहरहाल कल सुबह अदालत में केस की पहली सुनवाई है। नेहा वर्मा कल कोर्ट नहीं जाएगी। देखो बाबू, नेहा वर्मा का कोई एक्सीडेंट इस शहर में होता है तो सबकी उंगलियां सेठ सिंघानिया पर उठेंगी, इसलिए तुम उसकी जान इस शहर में नहीं ले सकते। जान नहीं ले सकता, लेकिन जान बचा तो सकता हूं। मुझे अफसोस है कि काहे का अफसोस मामू, थोड़ा अफसोस तू कर और बाकी बोल मेरे डैड को वो करेंगे। पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने बेटे को भूल गए हैं वो। अब मैं क्या कहूं, मेरी कोई सुनता नहीं। सिंघानिया साहब को बाबू के आगे कुछ दिखता नहीं। बाबू मॉरिशस गया था नेहा वर्मा को, समझे कि नहीं? लेकिन वो तो बंबई वापस आ गई है। मामू कल सुनवाई है, उसके लिए बाबू एक नया ड्रामा कर रहा है। मेरे को ऑर्डर मिला है कि नेहा पर झूठा हमला करो, जान लेने का नाटक करो, लेकिन उसकी जान पर कोई आज नहीं है। मामू एक बात मेरे समझ में आती है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। डैड की पॉलिटिक्स गई पहाड़ में, तू नेहा पे हमला कर लेकिन उसको मारने का नाटक नहीं, साली को मार डाल। Kill that man। बाबू ए बाबू पहचाना नहीं आप उनको? हेलो मैडम, गुड इवनिंग। नेहा ये राजा है। और ये अपन का दोस्त बाबू। बाबू? हाँ वो प्यार से यार दोस्त मुझे बाबू कहते हैं। क्या बोला? प्यार से? राजा। ए बाबू, तूने मेरा हाल देखा ना, मेरे साथ क्या हुआ वो? अरे छोड़ दे ये सब। विकी ये क्या छोड़ने के लिए कह रहा है? कुछ नहीं नेहा, इसने ज्यादा पी ली है। देखो तुम नीचे जाकर गाड़ी निकालो, मैं आता हूं। अरे अरे
तूने उसकी सुपारी तो नहीं ली ना? राजा, तेरा होश में रहना रास नहीं आता। जिंदा रहने के लिए तेरा बेहोश होना ज्यादा जरूरी है। कुछ याद आया? फ्लैशबैक, पेट्रोल से भीगा बदन, मामूली सी चिंगारी और फिर आग का गोला। कौन हो तुम लोग? पूछती है कौन हो तुम लोग? मौत जिसके आसपास होती है ना, तो हम जैसे लोग ही नजर आते हैं। क्या चाहते हो? अरे चाहते तो सिंघानिया साहब है, आया आया। सिंघानिया साहब तुमको जिंदा देखना नहीं चाहते। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे और क्यों छोड़ दे? सिंघानिया साहब के बेटे को तुमने पुलिस के सामने पहचाना, और सिंघानिया साहब को ऐसी जान पहचान अच्छी नहीं लगती। और सिंघानिया साहब को जो चीज अच्छी नहीं लगती, मतलब खैर, 1, 2, 3। तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी, तेरी गवाही सब राख हो जाएगी। पुलिस का कायदा, कचहरी का कानून, इंसाफ, ईमान, कौन आएगा तुझे बचाने? इस लड़की को तो मैं तुम लोगों से बचा लूंगा। लेकिन तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, पुलिस तुम्हें मोहरा बनाकर तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। उन्हें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं। आज तुम पर हमला हुआ है, कल फिर होगा। आज मैं वहां पहुंच गया, लेकिन अगर कल नहीं पहुंच पाया तो क्या बिगड़ेगा किसी का? किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ इस विकी का बिगड़ेगा, इस विकी का। मुझे देखो नेहा, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। जानती हो जब मैं तुम्हें देखता हूं तो क्या देखता हूं? तुम्हारी आंखों में अपने बच्चों की तस्वीरें देखता हूं, अपना आने वाला कल देखता हूं, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी मासूमियत मेरी जिंदगी है नेहा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि मैं? नहीं विकी, ऐसा नहीं कहते। तो फिर कल कोर्ट जाने के बजाय तुम मंदिर जाओगी। मंदिर? हाँ, कल हम शादी करेंगे। la 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 la
चुके जाए 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 मेरी जवानी जाए सताती है तो कोई अरमां जगाती है होने में बस 5 ही मिनट बाकी है। अगर वो जरा पहले आ जाती तो मैं उसे केस के बारे में कुछ समझा सकती थी। वो केस के बारे में सब कुछ जानती है लेकिन सिंघानिया के वकील को नहीं जानती। सिंघानिया साहब, आज आपके बेटे की पहली सुनवाई है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले कह चुका हूँ कि मुझे हमारे कानून पर उतना ही भरोसा है जितना कि अपने बेटे की बेगुनाही पर। अदालत जो भी फैसला सुनाए सर आंखों पर। आपको इस केस का अंजाम क्या लगता? मैं बस इतना ही कहूंगा कि आज किसी बेगुनाह को फांसी नहीं लगेगी।
मैं जिस रास्ते से अंदर जा रहा हूँ उसी रास्ते से सम्राट सिंघानिया को बाहर लाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखिए मिसेस सिंह, अदालत में मिस्टर बंसल का सामना मैं सिर्फ नेहा वर्मा के बलबूते पे कर रही हूँ, वरना मिस्टर सिंघानिया के खिलाफ ना तो हमारे पास कोई गवाह है ना कोई सबूत। नेहा वर्मा कोर्ट में गवाही देगी। गवाही तो वो तब देगी जब वो कोर्ट पहुँचेगी। कार्रवाई शुरू की जाए। जी मैं पूछता हूं, किस शक के बिना पर इन्होंने मेरे मुवक्किल सम्राट सिंघानिया पर एसीबी जयदेव सिंह की हत्या का आरोप लगाया? किस सुराग के दम पर, किस बुनियाद पर? बुनियाद है योर ऑनर, वो चश्मदीद गवाह जिसने सम्राट सिंघानिया को वो कत्ल करते हुए देखा। तो फिर योर ऑनर वो चश्मदीद गवाह यहाँ पेश किया जाए इस अदालत में। योर ऑनर, मैं गवाह को पेश करने के लिए अदालत से कुछ वक्त मांगती हूँ। मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं, कुछ हसरतें हैं। आप इंसानियत के नाम पे मैं अपनी पूरी जिंदगी बलि तो नहीं चढ़ा सकती ना। देखिए प्लीज प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं कोर्ट नहीं आ सकती, मुझे नहीं हो पाएगा ये। और तुमसे ये गुनाह हो पाएगा कि मेरे सुहाग की नाकदरी करके तुम अपनी मांग से जानी चली हो? मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। गुनाह नहीं कर रही हो तो नजरें क्यों चुरा रही हो? यही बात जरा मेरे सफेद लिबास और उजड़ी मांग को देख कर कहूं। नेहा, अगर तुमने गवाही ना दी तो मेरे पति के कातिल और गुनाह करने के लिए आजाद कर दिए जाएंगे। उन लोगों ने मेरे पति की जान तो ले ली, लेकिन कल को भगवान ना करे तुम्हारे पति को मार डाला तो तुम किसके पास जाओगे इंसाफ मांगने? मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, लेकिन अपने होने वाले पति, अपने सुहाग की सलामती के लिए तुम्हारा कोर्ट में गवाही देना बहुत जरूरी है। योर ऑनर, ये कोर्ट उस चश्मदीद गवाह का और कितना इंतजार करेगी? 5 घंटों से कोर्ट की कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि सम्राट सिंघानिया के खिलाफ ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई सुराग। इसलिए योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप ये केस को खारिज कर दें। यू मस्ट डिसमिस दिस केस योर ऑनर एंड रिलीज माय क्लाइंट योर ऑनर। आई इंसिस्ट यू डिसमिस दिस केस। माय लॉर्ड, आई डिमांड ये केस खारिज कर दिया जाए। योर ऑनर, गवाह हाजिर है योर ऑनर। नेहा वर्मा, नजर उठाकर देखिए क्या वो हत्यारा इस अदालत में है। नजर उठाकर देखिए और मुजरिम को पहचानिए। नेहा वर्मा, आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन, नजर उठाकर देखिए। मुजरिम को पहचानिए नेहा वर्मा, नजर उठाकर देखिए। लुक एट हिम नेहा वर्मा। वक्त की पाबंदी के कारण इस केस की कार्रवाई परसों तक मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। याद है आज हमें मंदिर जाना था और तुम कोर्ट चली गई? विकी, मेरा यकीन करो, सुबह तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर ही रही थी कि जयदेव सिंह की बीवी आ गई। मैं कैसे किसी के आंसू ठुकराकर अपनी खुशी हासिल करने चली जाती? मैं चाहूं भी तो मैं खुद गर्ज नहीं बन सकती, मुझसे नहीं हो पाता विकी, प्लीज। इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं,
आज तुमने इंसानियत को मोहब्बत से भी ऊंचा कर दिया। आज हमारी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, कल हो जाएगी। बाबू बाबू भूल गई, विकी का दूसरा नाम बाबू भी है। आज हमारी शादी की खुशी में राजा ने बहुत पी ली, थोड़ी मैंने भी पी ली। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबू ने सोचा कुछ और हुआ कुछ। खैर चलो राजा को छोड़ के आते हैं। नीचे उतरो नेहा। क्यों? तुम्हें बाबू से मिलाना है। बाबू से? मैं समझी नहीं। नीचे उतरोगी तो सब समझ जाओगी। प्लीज विकी चलो यहाँ से, ये भी कोई जगह है? बाबू को समझने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। बहस बंद करो और नीचे उतरो, चलो। बेकार की रट लगा रखी तुमने, लो उतर गई। अब ने कहा मैंने शराब पी है। तुमने ये हरकत, होश में? क्या मेरे मुंह से शराब की महक आ रही है? क्या मेरी आंखों में नशा है? कुछ रोज पहले तुम्हारे सामने एक खून हुआ था जिसकी गवाही देने तुम आज कोर्ट गई थी। हाँ आज फिर तुम्हारे सामने एक खून हुआ है, उसकी गवाही देने तुम्हें कोर्ट जाना ही पड़ेगा ना। क्या तुम कोर्ट जाओगी गवाही देने मेरे खिलाफ, अपने विकी के खिलाफ? विकी, विकी, ये क्या कह रहे हो? तुम विकी से नहीं बाबू से बात कर रही हो, और बाबू मुझे लोग प्यार से नहीं खौफ से कहते हैं, मौत के खौफ से। ऐसी मौत जो अभी तुम्हारे सामने हुई है, वैसी मौत या फिर उससे भी भयानक मौत। क्या तुम सिगाने के आदमी हो? नहीं, जो काम सिंघानिया के आदमी नहीं कर पाते वो काम मैं करता हूं। तुम सिंघानिया के बेटे के खिलाफ गवाही नहीं दोगी। कोई बेईमानी है राजा की, कैद में रानी है।
बोलो बाबू। कैसी हो? क्यों? तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम और चिंता? वो जिसका पेशा मौत हो उसे किसी की चिंता? सुनो नेहा, असल बात पे आओ बाबू। तुमने मुझे फोन ये जाने के लिए किया है कि मैं बाबू से डर गई या नहीं, और उस खौफ की वजह से मैं कल कोर्ट में अपनी गवाही बदलूंगी या नहीं। तो मेरा जवाब ये है बाबू, और विकी या जो भी तुम्हारा नाम है, अगर तुम सोचते हो कि तुमने मुझे डरा दिया है या तुम मेरी हिम्मत तोड़ चुके हो, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं कल कोर्ट जाऊंगी और गवाही दूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई कानून और मुजरिम की नहीं, ये लड़ाई अब मेरी और तुम्हारी है। मेरे अंदर का प्यार तो मर चुका बाबू, अब देखना मैं नफरत किस हद तक निभाती हूं। How are you, Neha? Please. घबराने की कोई बात नहीं है नेहा, तुम्हारे बयान से वैसे भी हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब सिर्फ ये देखना है कि मिस्टर सिंघानिया क्या चाल चलते हैं। आफ्टर ऑल तुम्हें अदालत में वही कहना है जो तुमने देखा। ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। होश तो तुम खो बैठी थी, अब होश आ गया। दीदी आपको क्या हो गया था? आप मेरी चिंता छोड़, ये बता तुझे बॉम्बे आने की क्या जरूरत थी? कमाल है दीदी, आपने तो कुरियर से लेटर और बॉम्बे आने की टिकट रितु दीदी के नाम से भिजवाए थे। रितु? वो भी एयरपोर्ट पर नहीं आई, कहाँ है रितु दीदी? नेहा ने उसे कोर्ट के सिलसिले में बहुत दूर भेज दिया है। नेहा, सिमी को अपने पास रखना चाहोगी या इसे भी उस कोर्ट के सिलसिले में बहुत दूर भेजने का इरादा है तुम्हारा? नहीं, सिमी मेरे पास रहेगी। अपने पास रखना इसे, लेकिन जरा संभाल के, क्योंकि आजकल तुम इतनी बिजी हो चुकी हो उस कोर्ट केस में कि भूल गई हो कि तुम्हारी एक छोटी प्यारी भोली भाली बहन भी है, जो उस भोले भाले गोवा को छोड़कर इस बेरहम शहर में आ चुकी है। थैंक यू दीदी। पता है जब आप आज एयरपोर्ट पर नहीं आई थी ना, तो मैं कितना घबरा गई थी। बिल्कुल इस गुड़िया की तरह सहमी सहमी सी, खामोश। नेहा तुम तो जानती हो ना ये मुंबई शहर कितना डरावना है, और तुम्हारी बहन कितनी खूबसूरत, मासूम, बिल्कुल इस गुड़िया की तरह नाजुक। I'm sorry, यही तो खराबी है नाजुक चीजों में, आसानी से टूट जाती हैं। ये तो अच्छा है ये खिलौना है, टूटकर जुड़ भी जाता है, लेकिन इंसान। खैर नेहा, मैं चलता हूं। तुम्हें सिमी से बहुत सारी बातें करनी होगी ना? दीदी
अपनी गुड़िया का ख्याल रखना। समझा नहीं, आप कहने का चाहती? देखिए, मैं अदालत में नहीं आ सकती, लेकिन मैं गवाही देना चाहती हूँ। मैं आपको सच्चाई बयान करूंगी। हाँ, सम्राट सिंघानिया ने एसीपी जयदेव सिंह का कत्ल। स्टॉप इट मिस नेहा वर्मा, ये मेरा घर है, कोई अदालत नहीं। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहिए और वकीलों के सामने कहिए, और भूलिए मत, ये मुकदमा खून का है, कोई खिलवाड़ नहीं। यहाँ किसी की जिंदगी का सवाल है। और मेरे परिवार की जिंदगी। आप जा सकती हैं। योना, मेरी बात तो सुने। योना, प्लीज। चुपचाप बैठी हो, पहली बार अपने काम में जज्बा दिया है। अब बस, तुमने कहा था ना कि हमारे बीच जंग है, तो जंग सही। तुमने इतनी मौतें देखी फिर भी नहीं डरी, लेकिन अब डरोगी जब किसी अपने को मरता हुआ देखोगी, जैसे कि सिमी। सिमी बाबू, सिमी को बीच में बताओ। सिमी बीच में आ चुकी है। वो देखो, तुम क्या करने वाले हो? सिमी तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करेगी, वो मर के तुम्हें जिंदगी का मतलब समझाएगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। बाबू कुछ भी कर सकता है। आज तुम्हें मौत सिर्फ देखनी ही नहीं, महसूस भी करनी पड़ी। बाबू रुको, प्लीज प्लीज बाबू रुक जाओ। अपने किए का अंजाम देखो नेहा। कल सुबह कोर्ट में अगर तुमने गवाही नहीं बदली, तो जो मौत तुमने अभी महसूस की है वो कल हकीकत बन जाएगी।
मिस नेहा वर्मा, क्या यही है वो आदमी जिसने एसीपी जयदेव सिंह को जिंदा जला दिया था? और से देखिए मिस नेहा वर्मा और बताइए, क्या ये वही कातिल है? बताइए नेहा वर्मा, देखिए इसे और बताइए, क्या यही है वो आदमी जिसने उनका कत्ल किया था? बताइए नेहा वर्मा, बताइए, बोलिए नेहा वर्मा, मैं कहता हूं बोलिए, क्या ये वही आदमी है जिसने उनको जलाया था? बताइए, मैं कहता हूं नहीं, मैं यकीन से नहीं कह सकती। नेहा तुम झूठ बोल रही हो। झूठ वो था जो पुलिस स्टेशन में बुलवाया गया था, सच ये है जो आज नेहा वर्मा ने इस अदालत में बोला है। मिस्टर ऑफिसर, जयदेव सिंह का खून ही इस अदालत में नहीं, आपको इस शहर में मिलेगा। खुला घूम रहा है वो, जाइए पकड़िए उसे, वरना फिर एक खून हो जाएगा और फिर आप एक बेगुनाह को कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए, इस केस का फैसला हो चुका है। कोई ठोस सबूत ना होने के कारण यह अदालत सम्राट सिंघानिया को बाइज्जत बरी करती है। चढ़ती है तो चढ़ने दे, चढ़ती है तो चढ़ने दे।
ऑफिसर, आने में थोड़ी सी देर कर दी तुमने। शो अभी भी खत्म हुआ है। गलत सिंघानिया, शो अभी खत्म नहीं हुआ। इस बार तो तुमने मेरे गवाह पर दबाव डालकर उसकी गवाही बदल डाली, पर ये मेरा दावा है वही गवाह कटघरे में खड़ी होकर सच्चाई बोलेगी और उसके बाद तुम्हारी ये सारी शोबाजी खत्म हो जाएगी। और हाँ, एक मामूली सी लड़ाई जीत गए पर जंग अभी जारी है। ये लो चश्मा साफ करके सफाई। क्या है ये? अरे पढ़ के बताओ क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपील मंजूर कर ली है। ये नेहा वर्मा हमारे लिए मुसीबत बन गई है। डैड, इस नेहा वर्मा को मुझे हैंडल करने दो प्लीज। रिलैक्स सम्राट, रिलैक्स। बंसल जी, बाबू से कह दो कि सिंघानियों को लंबे खेल रास नहीं आते, अब आखिरी चाल चलते हैं। चेक एंड मेट। इस बैग में तुम्हारे पिछले काम की कीमत और अगले काम का एडवांस है। अगला काम? देखो बाबू, जब तक ये केस चलता रहा तब तक हम मजबूर थे, लेकिन अब नेहा वर्मा को मारने में कोई रिस्क नहीं, वरना ये खतरा तब तक बना रहेगा जब तक नेहा वर्मा जिंदा है। लेकिन बाबू भी तो जिंदा है। तुम लोगों का बाबू पर से एतबार डगमगा रहा है। ये नेहा वर्मा नाम की तलवार मेरे सर पे क्यों लटकती रहे? ये एतबार वेतबार के पचड़े में मैं नहीं पड़ने वाला। इस पचड़े में तुम्हारा बाप भी पड़ा था, इसलिए आज तुम यहां खड़े। मिस्टर सिंघानिया, आप चाहते थे कि नेहा वर्मा अपनी गवाही बदल डाले, सो उसने बदल दी। अब अगर आप चाहते कि वो खामोश रहे तो वो खामोश रहेगी। बाबू मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन नेहा वर्मा, नेहा वर्मा की गारंटी बाबू है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूं। ये शहर तुम छोड़कर चली जाओ नेहा। क्यों जाऊं मैं ये शहर छोड़ के? क्यों जाऊं यहाँ से? मैं गोवा से यहाँ आई थी कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। इस शहर में मेरे कुछ सपने हैं, कुछ उम्मीदें हैं। और इस शहर में तुम्हारी छोटी बहन भी है। सिमी, क्या हुआ सिमी को? देखो नेहा, तुम पत्थर बन चुकी हो, लेकिन सिमी, सिमी मोम की तरह नाजुक है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, मर जाओगी तुम, और ये बात वो लोग जानते हैं।
हेलो। हाँ दीदी, घर से बाहर क्यों गई थी? मैंने मना किया था घर से बाहर निकलने के लिए। पर मैं तो घर में ही थी। घर में थी तो देर से फोन क्यों उठाया? दीदी मैं नहा रही थी। लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं, जब तक मैं घर पे ना हूँ तुम घर से बाहर निकल आओ प्लीज। दीदी लगता है दरवाजे पर कोई है, एक मिनट। नो सिमी, दरवाजा नहीं खोला। सिमी सिमी दरवाजा नहीं खोला प्लीज। ओ शिट। हेलो सिमी, सिमी कौन है वहाँ? नेहा वर्मा यहीं रहती? हाँ लेकिन दीदी घर पे नहीं है। दीदी? हाँ मैं उनकी छोटी बहन हूँ सिमी। दीदी का फोन है, अगर आप चाहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। दीदी से तो बातें होती रहेंगी, पहले हमारी मुलाकात तो हो जाए। I'm sorry. चल गोवा वापस चलते हैं। ऐसे हार कर मैं गोवा वापस नहीं जाऊंगी। और आप सिमी के साथ यहीं रहिए। यहाँ नासिक में बैठे क्यों? क्योंकि बॉम्बे और गोवा का पता उन्हें मालूम है, लेकिन वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अब की बार मैं उन्हें अपने किसी कमजोरी का फायदा उठाने नहीं दूंगी। भूल जा बेटे, सब भूल जाइए। गोवा में हमारा सब कुछ है, घर है, हमारा संसार है। वहां चलकर बेटे हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। नई जिंदगी की शुरुआत मैं बॉम्बे से वापस आने की बात करूंगी। बॉम्बे? तू फिर वहां जाएगी जहां जिंदगी तबाह हो गई? फिर वहां जाएगी जहां जिंदगी तबाह हो गई इसलिए मैं वहां जाऊंगी। मेरी सहेली की जान ले ली गई इसलिए मैं वहां जाऊंगी। मेरी बीवी का ये हाल कर दिया इसलिए मैं वहां जाऊंगी। अब बाकी की जिंदगी जीने के लिए मुझे एक दिलासा चाहिए जो मैं हासिल करके रहूंगी। शुरुआत उन्होंने की थी, अंजाम मैं दूंगी। सिर्फ उतना ही काम करो जितने की कीमत तुम्हें दी गई है। तुम्हें मैंने पैसे मारने के लिए दिए हैं, मारो। मारो! मारो!
नेहा, नेहा, क्या हुआ तुम्हें? नेहा, मैं तो सिर्फ जीना चाहती थी बेकी, सिमी को खुशियां देना चाहती थी, और दादू को सहारा, फिर उसने मुझे क्यों? पापा ने कहा डर जाओ, तो मैं डर गई, पापा ने कहा झूठी गवाही दो, तो मैंने झूठी गवाही दे दी, पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, तो फिर उसने बार बार मेरी इज्जत क्यों लूटी? नेहा, तुम बाबू से बात कर रही हो, बाबू से, मुझे उसका नाम बताओ नेहा। बाबू, बाबू तुम आ गए? बाबू, इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं की, तो फिर उसने, तुम देखना चाहते हो उसने क्या किया? देखना चाहते हो? बाबू तुम्हें अपनाएगा नेहा, लेकिन सिंघानिया खानदान को खत्म करने के बाद। नहीं बाबू, वो तुम्हें बाहर डालेंगे। वो लोग जिंदा हैं क्योंकि बाबू की मर्जी थी, अब उन्हें मरना होगा क्योंकि बाबू का फैसला है। तुम मेरा यही इंतजार करना नेहा। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा। आपका बेटा कहाँ है? क्यों पता कर लीजिए मिसेस सिंघानिया, क्योंकि मौत के वक्त बाप बेटे साथ हो तो सुकून मिलता है। जैसे दौर बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, वैसे ही हर कुत्ते के दिन बदलते हैं। आपके वो दिन अच्छे थे जिस दिन आपका बेटा कोर्ट से रिहा हो गया, मगर अब जो आए हैं वो बहुत ही ज्यादा बुरे दिन हैं। आप और आपका बेटा बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हैं। ए, अपनी जुबान को लगाम दे। जिस बाबू के जरिए आपने मुझे बेजुबान किया था, मैं उसी की जुबान बोल रही हूँ। बाबू नाम का आपका वो हथियार मेरे हाथ लग चुका है मिस्टर सिंघानिया, और मैं उस हथियार को आप पर इस्तेमाल कर चुकी हूँ। हाँ, ये चॉइस बाबू की है कि पहले वो सांप को मारना चाहता है या सपोले को। मेरी बात का यकीन शायद आपको नहीं हो रहा होगा, मगर अपने बाबू पर तो भरोसा है। बाबू तुम्हें अपनाएगा नेहा, लेकिन सिंघानिया खानदान को खत्म करने के बाद। वो लोग जिंदा हैं क्योंकि बाबू की मर्जी थी, अब उन्हें मरना होगा क्योंकि बाबू का फैसला है। We'll be right back.
ये पैसा जो आपने मुझे नेहा वर्मा की गारंटी का दिया था वो गारंटी खत्म। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नेहा वर्मा आज भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना पहले थी। उस खतरे से बड़ा खतरा जो अब खड़ा हो गया है उसका क्या करें? नजर घुमाकर देखो बाबू, जिस गोदी पर तुम खड़े हो वो इस मुल्क के नाजायज हथियार और गैर कानूनी बारूद का सबसे बड़ा ठिकाना है। यह है सिंघानिया की रियासत। यहां पिछले 20 साल से मैंने दुनिया की सबसे कमीनी नस्ल के लोगों के साथ कारोबार किया है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कमीनापन मुझ पर जाहिर कर सके। फिर ये जुर्रत तुमने कैसे कर ली बाबू? क्या मतलब? मतलब धोखा, मतलब गद्दारी। सिंघानिया के साथ गद्दारी का मतलब मौत। ले जाओ से। चलें। शेर की जिंदगी जीने वाला अब कुत्ते की मौत मरने वाला। अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कहते शेर मियां, ये आपके ही बारे में बात कर रहा है। लेकिन मर तो उसका बाप ही रहा है ना, वो देखो। तेरी बारी। कसूर था मेरा, क्या गलत किया था मैंने? मैं तो एक मासूम सपने का पीछा करते हुए शहर में आई थी। क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने गुनाह को गुनाह कहा? सच की तरफ उंगली क्या उठाई कि इस शहर ने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। ऐसा शहर जहां इंसान तो बसते हैं मगर इंसानियत नहीं, लोग तो जीते हैं मगर जिंदगी नहीं। क्यों बाबू क्यों? क्यों रे तुम अलेरा की जान ली गई? क्यों बेकसूर राजा को मारा गया? क्यों मेरे दिल का खून हुआ? क्यों सिमी की मासूमियत को कुर्बान होना पड़ा? ये सब तो तुम्हारे गुनाह है ना बाबू? हानिया, ये सब मेरे गुनाह हैं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम जिंदा रह सको। इतने लोगों को मरना पड़ा था कि मैं जिंदा रह सकूं? तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला बाबू? क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हें प्यार करना नहीं आता बाबू, तुम तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते। तो तुम मुझे सिखा दो ना, प्यार तो तुम भी करती हो ना मुझसे? किया था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि तुम्हें बुला पाऊं, और नहीं इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें माफ कर पाती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती बाबू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो गोली चलाओ नेहा, चलाओ गोली, मार डालो मुझे।
तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे नेहा? मार डालो मुझे। तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? चलाओ गोली नेहा, गोली चलाओ नेहा, चलाओ गोली, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मारो नेहा, गोली चलाओ, चलाओ गोली नेहा, मारो, मार डालो मुझे, चलाओ गोली। मुझे गलत समझा नेहा, मैं तो तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखना चाहता था, लेकिन क्या करता? अगर तुम्हारी बाहों तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है तो मुझे हजारों मौतें मंजूर है। वैसे भी तुम्हारी नफरत के साथ जीने से तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना अच्छा है। या मुझ जैसे गुनेगार की मौत पर कोई अफसोस नहीं करता। और देखो तुम मेरे लिए आंसू बहा रहे हो। एक आखिरी एहसान कर दूंगा, जब कभी मेरी याद आए ना तो विकी की मोहब्बत को याद करना, बाबू की खौफ को नहीं। हाथ में पिस्तौल लेकर जो जीते हैं उनका अंत पिस्तौल ही लिखती है। लेकिन बाबू मोहब्बत पर कुर्बान हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो एक लावारिस मौत मरता, किसी गुमनाम गली में पुलिस की गोली से एक गुमशुदा मौत। पर बाबू की किस्मत कि उस पर गोली चलाने वाले हाथ उसके थे जिसे बाबू ने प्यार किया था। शायद बाबू की मौत में ही नेहा की आजादी थी। खौफ, कस्मों में खौफ, वादों में खौफ, बाहों में खौफ।
For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.